हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी ग्लोज। माय नेम इज प्रशांत मिश्रा। आप देख रहे हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज जो डेली हम 6 बजे शाम में आपके लिए लेके आते हैं। तो आज का टॉपिक इसमें होने वाला है ILO। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपने EPFO का फॉर्म भरा है जो 5 सितंबर को होने वाला है, तो ये एग्जाम आपके लिए, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहेंगे, तो आप ध्यान से देखना। तो ILO के बारे में पहली बात, ये ट्रीपार्टाइट UN एजेंसी है। ट्रीपार्टाइट मतलब तीन पार्टियां इसमें इन्वॉल्व है। तीन पार्टियां कौन कौन सी? गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, एम्प्लॉयर्स इन्वॉल्व है और वर्कर्स। एम्प्लॉयर्स मतलब जो नौकरी देता है, ये तीनों पार्टियां इन्वॉल्व है। और UN की ये इकलौती ऐसी एजेंसी है। ये कब बनी? 1919 में बनी। 187 कंट्रीज अभी इसकी मेंबर हैं। इसका मेन काम क्या है? लेबर स्टैंडर्ड्स को सेट करना, पॉलिसीज ऐसे बनवाना कि जिसके लिए डिसेंट वर्क प्रमोट हो सके मेन और वुमेन दोनों के लिए। तो पॉलिसीज बनाने के लिए ऑब्वियसली वर्कर, एम्प्लॉयर्स और गवर्नमेंट तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिसको ILO रिकोगनाइज करती है। ILO कैसे बना, कब बना, वो थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस साइन हुई और इससे लीग ऑफ नेशन बना कि जिससे कि आगे आने वाले वर्ल्ड वॉर को रोका जा सके, बट ये फेल कर गया। बट ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के साथ ही ILO भी बन गया। बाद में जब UN बना था 1945 में, तो ILO को स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना दिया गया UN का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। आगे एक काम करता है, तो ये इक्वल वॉइस देता है, मतलब वर्कर को भी इक्वल वॉइस देता है, इक्वल अधिकार देता है कि अपने जो भी पोजीशन है वो गवर्नमेंट के सामने, बाकी एम्प्लॉयर्स के सामने रख सके और उनके कंसर्न जो है, उनके कंसर्न पॉलिसी वगैरह में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होते हैं। ये राइट टू वर्क को प्रमोट करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इनकरेज करता है। ILO का इसी सब पे मेन फोकस रहता है, ह्यूमन एंड लेबर राइट्स को प्रमोट करता है और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करवाता है। वर्कर्स के क्या क्या राइट्स हैं, लेबर्स के क्या क्या राइट हैं, डिसेंट वर्क कैसे करें, उनके ह्यूमन कंडीशन किस कंडीशन में वो वर्क करें, कितना उनको वेज मिलना चाहिए, क्या वर्किंग एज होनी चाहिए, ये सब सारे चीजों पे ILO का मेन काम रहता है। अब मेन बॉडीज, ILO के तीन मेन बॉडीज हैं जिसके थ्रू ये काम करता है। पहला बॉडी इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, जिसको इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ लेबर भी बोलते हैं। जेनेवा में एनुअली इसकी मीटिंग होती है जिसमें पॉलिसीज वगैरह डिस्कस किए जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। इसके बाद गवर्निंग बॉडी होती है। गवर्निंग बॉडी क्या करती है? डिसीजंस वगैरह लेती है ILO की पॉलिसीज पे, ठीक है, बजट वगैरह का फॉर्मुलेशन, ये सारा काम गवर्निंग बॉडी से करती है। और तीसरा इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, तो ऑफिस में ही इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट है। मैक्सिमम एक्टिविटीज जो होते हैं, पेपर वर्क, काम वगैरह, ये सब इस लेबर ऑफिस के थ्रू ही किए जाते हैं, जो डायरेक्टर जनरल के अंदर में आता है, ठीक है। तो ये बॉडीज से खास लेना देना नहीं है, बस आपको जानने के लिए यहाँ पे बता दिया मैंने। प्रियम्बल ऑफ ILO कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? तो ILO जब बना, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बना कि ILO क्या क्या काम फैसिलिटेट करवाएगा। प्रियम्बल उसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या कहता है कि वर्ल्ड को अगर यूनिवर्सल और लास्टिंग पीस चाहिए तो जो सिस्टम है वो सोशल जस्टिस पे बेस्ड होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार मतलब पूरा वर्ल्ड डेवेस्टेटेड था, पीस नहीं था, तो पूरे वर्ल्ड में अगर पीस चाहिए तो ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो सोशल जस्टिस, मतलब वर्कर्स को भी जस्टिस दे सके, एम्प्लॉयर्स को भी दे सके, सबको जस्टिस दे सके, वैसे सिस्टम पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके कहने का प्रियम्बल में दूसरा पॉइंट ये था कि अगर कहीं इनजस्टिस हो रहा है, हार्डशिप एंड प्राइवेशन, प्राइवेशन मतलब कि बेसिक नेसेसिटी जो आपकी है, फूड वगैरह, क्लॉथ वगैरह, वो भी आपको नहीं मिल रहा है, तो इससे अनरेस्ट वगैरह होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और ऐसे में कंडीशन को अर्जेंटली इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ये ILO का प्रियम्बल कहता है। और साथ साथ में तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कहता है कि अगर कोई कंट्री ILO का जो भी डिक्लेरेशन है उसको एडॉप्ट नहीं कर रहा है, फेयर वेज नहीं दे रहा है, लेबर कंडीशन को इम्प्रूव नहीं कर रहा है, इसको वो एडॉप्ट नहीं कर रहा है, तो जो कंट्री एडॉप्ट कर रही है
उन पे भी ये बुरा असर डालेगा, उनको लगेगा कि हम क्यों करें अगर वो कंट्री नहीं अडॉप्ट कर रही है तो उसमें भी ऑब्स्टेकल क्रिएट होगा। तो इन सब चीजों के लिए सारे कंट्री अडॉप्ट करें तो ज्यादा अच्छा है। तो ये आईएलओ का प्रियम्बल कहता है। आईएलओ ने नोबेल प्राइज भी जीता। नोबेल प्राइज कब जीता? 1969 में, पूछा जा सकता है खासकर ईपीएफओ के एग्जाम में। किस वजह से इसको नोबेल प्राइज दिया गया? तो पीस अमॉन्ग क्लासेस। अब क्लास कौन कौन से? वर्कर क्लास, एम्प्लॉयर्स मतलब कैपिटलिस्ट क्लास, तो उनके बीच में पीस पीस कैसे मेंटेन होगा? दोनों का राइट ध्यान में रखो और ऐसे पॉलिसीज बनवाओ तो आपको पीस बनेगा। तो इसके लिए इसको क्या दिया गया? नोबेल प्राइज। पुशिंग डिसेंट वर्क एंड जस्टिस फॉर वर्कर, वर्कर्स के लिए जस्टिस लेके आया। टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया डेवलपिंग नेशंस में। तो इन सब कारणों से उसको 1969 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। अब आईएलओ के 8 कोर कन्वेंशन है, बहुत सारे कन्वेंशन है बट 8 कोर कन्वेंशन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। याद रह पाए बहुत अच्छा, नहीं रह पाए कोई बात नहीं, बट आपको ध्यान में जरूर रखने हैं ये 8 कोर कन्वेंशन। मैं आपको दिखा दूं। पहला है फोर्स्ड लेबर का कन्वेंशन, दूसरा है एबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर। मतलब पहले कन्वेंशन में फोर्स लेबर में कुछ चीजें, कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए गए होंगे, और दूसरा जब कन्वेंशन बना एवोल्यूशन ऑफ फोर्स लेबर, उसमें ऐसा बोला गया कि नहीं फोर्स लेबर को पूरी तरह से एबॉलिश ही कर दिया जाए। तो सबके अलग अलग नंबर है, नंबर के हिसाब से यहाँ लिखे हुए, वो आपको याद नहीं रखना है ठीक है, बट ये आपको याद जरूर रखना है। तीसरा इक्वल रेमुनरेशन कन्वेंशन, इक्वल रेमुनरेशन मतलब इक्वल वेजेस सबको मिलनी चाहिए। चौथा डिस्क्रिमिनेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन कन्वेंशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं उसके अगेंस्ट। मिनिमम एज, मिनिमम एज कितना होना चाहिए अगर काम करना है वर्कर्स को ठीक है इंडस्ट्रीज वगैरह में, उसके लिए। चाइल्ड लेबर के वर्स्ट फॉर्म को खत्म करना। वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर क्या है? छोटे छोटे बच्चों से आप हैजार्डस वर्क करा रहे हो, वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर है, उसको खत्म करना। और ये दो नीचे और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स टू ऑर्गेनाइज्ड कन्वेंशन। राइट्स टू ऑर्गेनाइज्ड कन्वेंशन मीने ये 87 में है, मतलब कि जो वर्कर है वो क्या कर सके, फ्रीडम से एसोसिएशन बना सके और ऑर्गेनाइज्ड कन्वेंशन भी खुद ब खुद बना सके, इसके लिए फ्रीडम मिले। और आठवां, ये सारे क्या करे, वर्कर ऑर्गेनाइज होके और गवर्नमेंट से, एम्प्लॉयर से कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सके, उसके लिए। तो आप ट्रेड यूनियन से इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। तो ये आठों आपको याद रखने हैं, और ये वाले नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है, नंबर्स भी किसी किसी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो आप याद रख पाओ तो जरूर रख लेना, नहीं रख पाओ तो आपको कंटेंट कम से कम जरूर याद होना चाहिए कि 8 कोर कन्वेंशन में किन किन बातों पे चर्चा हुई थी, कि आप ऑप्शन काट के आप अपना आंसर टिक कर पाओ। अब इसमें से पते की बात यह है कि इंडिया ने ये 6 कन्वेंशन साइन कर रखे हैं और बाकी 2 कन्वेंशन जो है वो साइन नहीं कर रखे हैं, नीचे वाले जो ट्रेड यूनियन से डायरेक्टली रिलेटेड आप मान सकते हो। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मतलब एक तरह से ट्रेड यूनियन वगैरह बनाने की बात चल रही है, कलेक्टिव बार्गेनिंग करने की बात चल रही है, कि कलेक्टिवली एक साथ वो बार्गेन कर सके एम्प्लॉयर से या गवर्नमेंट से, उसकी बात चल रही। तो इंडिया ने इसको साइन नहीं किया, साइन कर दिया, रेटिफाई नहीं किया, नॉट रेटिफाई। क्यों नहीं किया है? एज ऑफ 2 कन्वेंशन इन्वॉल्व द ग्रांटिंग ऑफ सर्टेन राइट्स दैट आर प्रोहिबिटेड अंडर द स्टैट्यूटरी रूल्स फॉर गवर्नमेंट इम्प्लॉयज, क्योंकि ये गवर्नमेंट इम्प्लॉयज के लिए प्रोहिबिटेड है। बाकी प्राइवेट वर्कर वगैरह ऐसा मान लो कर भी सकते हैं, बट गवर्नमेंट के लिए जो भी नियम वगैरह बना है, स्टैट्यूटरी लॉ बने हैं इंडिया में, उसमें ये सारी चीजें कलेक्टिव बार्गेनिंग वगैरह काफी हद तक प्रिवेंट किया गया है, इसलिए इंडिया उसको आज तक रेटिफाई नहीं किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है। आगे बात करते हैं कि कैसे आईएलओ और काम करते हैं। तो आप बात करो कि ये नया रिसेंट आप देख सकते हो, 29 जून का इसका आर्टिकल है आईएलओ का ही, इराक में वो काम कर रहा है। इराक में क्या कर रहा है? एम्प्लॉयमेंट को फैसिलिटेट कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट को कैसे फैसिलिटेट कर रहा है? जो सीरिया से लोग डिस्प्लेस होके गए हैं, इराक में रह रहे हैं, उनके लिए वाटर इरिगेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब पे उनसे काम करा रहा है और एम्प्लॉयमेंट को फैसिलिटेट कर रहा है। ठीक है, आईएलओ आपको होप समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हमारे अमेजिंग कोर्सेज जरूर ज्वाइन करो, प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करके, चैनल सब्सक्राइब करो। जय हिंद।